द चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आज का दिन हमने मतलब मैंने व्लॉग करना काफ़ी लेट शुरू किया है। उठ तो हम टाइम से ही गए थे पर सुबह से मतलब थोड़ा काम वाम का प्रेशर था मेरे दिमाग में, तो आज बिल्कुल ही मैंने कैमरे से फ़ोन उठाया ही नहीं। और एक चीज़ और मैंने आज से की है कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपना स्क्रॉलिंग जो टाइम स्पेंड है वो मैंने 30 मिनट्स कर दिया है। लाइक तो कॉन्शियसली आई एम नॉट स्क्रॉलिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट वॉकिंग, क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा उससे क्या बस है पतंग उड़ाते हैं तो जब कट जाती है तो वो आता है बजाने का बोपू। वेलकम टू गुजरात गाइस, ये सब मुझे पता ही नहीं, मेरे लिए सब नया नया है। हाँ जी, तो वेयर आई वॉज, तो आई वॉज सेइंग कि फिर मैंने पूरा दिन, मेरे से काम नहीं हो पाता है। लाइक पूरा दिन करती हूँ बट इतना प्रोडक्टिव नहीं होता जब आप बार बार स्क्रॉल करते रहते हो। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड लास्ट नाइट कि अब मैं ये करने वाली हूँ। और कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स है जो अपनी दिनचर्या में हमने शामिल करी, शेयर करेंगे आपके साथ। जैसे जैसे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे हम, अच्छा फील होगा तो आपको भी बताएंगे। बाय द वे आज का जो एजेंडा है वो बहुत सारा है। नंबर वन, अभी हमारा काम हो गया है, हमको जाना है मार्केट, मतलब थोड़ा सा बाहर। दो सेकेंड रुक जाओ, मैं बता दूँ हमें क्या क्या करना है। Remember, हम ये सब काम खत्म करना है आज तक, क्योंकि कल we are flying to Raipur। Please, my hometown, my जो भी हम लोग है ना बहुत ऐसे शांति से निकल जाना। गाइस ये सब छोड़ो, बट एक लड़की अपने मायके जब जा रही होती है शादी के बाद, मैं पहले कितनी बार भी ऐसे दिल्ली में रहती थी, घर बहुत कम जाया करती थी, वो फीलिंग कुछ अलग थी, बट दिस फीलिंग इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। लाइक शादी के बाद आई एम गोइंग पहली बार घर, और वो भी इसके साथ। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, पहली बार ही, मतलब फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रायपुर। यस, एंड फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू आवर हाउस। लाइक वो आया ही नहीं है कभी भी, कभी बुलाया ही नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दामाद जी का स्वागत देखते कल कैसे होता है, मम्मी क्या क्या तैयारियां कर रही है, तो वो सब कल की बात है। बट आज हमें खत्म करना है, एक तो कुछ कुछ फरसान लेने जाना है हमें मार्केट। हमारे अब वो तुमने कभी आया ही नहीं है मेरे घर, जो तुमने डायलॉग मारा उससे मेरे को एक शेर याद आ गया, तो मैं बोल देता हूँ। वैसे तो मैं एंड में बोलता हूँ ये काम मेरा एंड में, पर अब वो आ गया है तो आ गया है। नहीं देखो, ये तो राहत इंदौरी साहब है, आ जाते तो आ जाते। तो राहत इंदौरी साहब बोलते हैं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, समझ रही हो? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। चलो गाइस, तो लेट्स गेट गोइंग, बहुत सारे काम खत्म करने, फिर पैकिंग भी करनी है। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग वाली फ्लाइट है, तो उसके लिए जल्दी उठना है, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी है, बहुत सारी चीज है। अभी 5:30 बजने वाले हैं, एंड या लेट्स डू दिस। ओके जी, तो मैं ये कह रही थी उस टाइम पे बस जल्दी जल्दी निकलना था करके। आहा, क्या गोल्डन आर, मस्त लाइट आ रही है, जितनी सुंदर मैं लग नहीं रही उतना सुंदर ये बना दे रहा है मुझे। बाय द वे गाइस, तो काम हमारे हैं कुछ ऐसे कि अभी शाम हुई है, 6 बज रहे हैं, पर हम लोग लेने जा रहे हैं कुछ सामान, ऐसे ही नाश्ता वाश्ता घर के लिए लेके जाना है रायपुर के लिए। तो यस, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू पिक, एंड देन वहां से आके हमें पैकिंग करनी है, और रात का डिनर घर पे बनाएंगे। हाँ, और क्या, बट सब्जी वब्जी कुछ है नहीं घर में, देखते हैं। चलो विल सी, वो करना है, उसके बाद फिर जल्दी सो जाना है। तो या वी आर ऑन आर वे, होपफुली ट्रैफिक ना मिले, इस रास्ते पे रोज ट्रैफिक मिलता है। और अगर आप लोगों को पता है तो अहमदाबाद में काफी बड़ा कुछ चल रहा है, लाइक शताब्दी महोत्सव चल रहा है, महोत्सव, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर पटेल? बहुत बड़ा शताब्दी, परम पूज्य स्वामीनारायण जी के प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव, मतलब उनको 100 साल पूरे हुए, उसका एक बहुत बड़ा ऐसे उन्होंने सिटी टाइप बनाया है, 650-650 एकड़ में, काफी बड़ा, और हमारे घर से बहुत पास है वो। हाँ, ऐसे रास्ते में ही आता है, तो हमें रोज ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। वी आर नॉट कम्प्लेनिंग, बट वी जस्ट सेइंग कि हाँ, तो हम लोग निकलना, बाहर निकलना थोड़ा कम कर रहे हैं, अवॉइड ही करते हैं आजकल, क्योंकि शाम को भयंकर ट्रैफिक हो जाता है। अभी तो फिर भी इट्स बेरेबल, लाइक इतना है कि ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको,
बट शाम होते होते क्रेजी हो जाता है, क्रेजी. और कल उत्तरायण है तो कल तो पता नहीं क्या ही होगा. और लास्ट दो दिन बचे हैं, 14 और 15, 15 को इट्स गोइंग टू बी एंड. तो या ओ माय गॉड, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम तो कल सुबह सुबह नहीं. थैला भर के फरसान, ये है गुजराती लोग. गुजरात का एकदम ये, गुजरात वाले लोग इस पे हाई होते हैं. चखने पे हाई होते हैं. मैं ऐसे मिनी हॉल कर देती हूँ. सो वी गॉट दिस मेथी खाकरा, ये आज ही वो टेस्ट करवा रहे थे, मतलब नया नया आया मार्केट में उनके. सो ये मेथी खाकरा लिया हमने, और दिस इज जीरा, स्पाइसी जीरा खाकरा. ये प्लेन है और प्लेन रोस्टेड, और ये भाकरी है, ज्वार बाजरी वाली भाकरी, बाजरा और मेथी वाली, मेथी गार्लिक. एंड दिस इज नमकीन खारी, ये बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ. और दीज आर कोकोनट कुकीज. सो या, बट ये सब हम अकेले नहीं खाने वाले, घर लेके जा रहे हैं. यस, अभी चाय बन रही है. चाय चाय चाय, सागर के हाथ होगी चाय. जी तो अब हम पैकिंग कर रहे हैं, ये छोटा सा कैरी ऑन लेके जाएंगे, क्योंकि हम कल है 14, कल हम जा रहे हैं, और कल की रात और 15 की रात, 16th मॉर्निंग अगेन विल बी फ्लाइंग बैक टू अहमदाबाद. तो 2 दिन के लिए ये बैग सही है. दोनों के कपड़े आ जाएंगे मेरे ख्याल से, दोनों के आ जाएंगे, है ना बॉब्स? हाँ ठीक है ना, एक साइड मेरे रख लेते, एक साइड तेरे रख लेता. डिविजन जरूरी है, डिविजन. यह है हमारा बैग, पैक हो चुका है मायके जाने के लिए, तैयार. बाय द वे, डोंट गो टू दिस शक्ल. मैंने जो है अभी अभी जस्ट बर्तन वर्तन साफ करके किचन पूरा साफ किया है, और जस्ट अभी अंधेरा करके गई है, पूरा क्लीन कर दिया है. और हाँ जी, सागर अपना कुछ एडिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मैं बैठ के रूम में थोड़ा एडिटिंग करूँगी. मेरा एक दो रील मुझे जाके वहाँ पे काम नहीं करना है, तो बैठ के करते. अभी रूम की हालत देखो, मैस हो गई. आप में से कुछ लोग बोल रहे थे आप लोगों का घर इतना साफ कैसे रहता है. बाय द वे गाइस, हमेशा साफ नहीं रहता है, देख लो हालत अभी, लाइक पूरा टाइम साफ नहीं रहता, अभी पूरा मसल मेस मचा हुआ है. सो पहले वो क्लीन करेंगे, उसके बाद बैठ के आराम से एडिटिंग करेंगे, एंड देन सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है. 7 बजे की फ्लाइट है, पर 4 बजे उठना पड़ेगा. उठ के नहा के रेडी होके एयरपोर्ट पहुंचने तक लेके मतलब 2 घंटे तो लगेंगे उन सब में. तो यस,